सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि पैंट में डिजाइन कैसे बनाएं। दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमने सिर्फ पैंट का एक सैंपल लिया है, आगे और पीछे वाला पल्ला, जो कि आपको दिखा सके कि हम किस हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। तो दोस्तों, ये बेल्ट वाला हिस्सा होता है, यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे सीधा और आसान तरीका बताता हूँ जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके अंदर। ये देखिए, हमने मोरी को फोल्ड कर रखा है, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद हमने एक बराबर इसे कर लिया। अब आप क्या करेंगे, जितना चौड़ा आपको डिज़ाइन देना है, मान लीजिए आपको डिज़ाइन देना है 4 इंच का, तो आप यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे और 1.5 पे निशान यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद इस फुट्टे की मदद से दोस्तों आप निशान को सीधा करें, फिर इसे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम अपनी चौड़ाई नापेंगे, ये 7.5 आ रही है, ठीक है। तो हम 7.5 के आसपास में निशान लगाएंगे। तो हमारे को जो लंबाई रखनी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे काटा 3.5, हमें रखना है 4 इंच। तो हम किस हिसाब से रखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक पेपर लेंगे हम, पहले उस पेपर पे सबसे पहले तो हम एक निशान लगा लेंगे बिल्कुल सीधा। दोस्तों, निशान लगाने के बाद हमारा जो डिज़ाइन होगा वो 4 इंच का होगा। तो हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, एक निशान आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो दोस्तों, जब आप ये निशान लगाने के बाद ये वाला निशान लगाएंगे, तो हमने जो नापा था वहाँ पे 7.5 डबल में, तो यहाँ पे खोलने के बाद 15 इंच आएगा। तो देखिए, 15 इंच आपका ये आएगा। आप यहाँ पे भी एक सीधा निशान इस तरीके से लगा लें। और दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको एक पट्टी लेनी है और आपको इस तरीके से करने के बाद उस पर सिलाई लगानी है। जितनी चौड़ी आप पट्टी लेंगे उस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। और इसी तरीके से दोस्तों आप पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी सिलाई है बिल्कुल आप इतना इतना छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे पूरी पट्टी। तो दोस्तों, जब आप ये पट्टी को पलट लेंगे, उसके बाद देखिए, किसी झाड़ू की सीख से या इस तरीके से सुई ले लें और उसको इस तरीके से करके, जैसे हम अपनी डोरी को पलटते हैं बिल्कुल इसे अंदर डालने के बाद, तो देखिए, जब ये सुई निकल जाएगी आपकी, तो मशीन के आप इस तरह छेद में फंसा के और इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ से जब आप इसे खींचेंगे तो पट्टी आपकी निकलने लगेगी। तो पहले आप धागा एडजस्ट कर लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से हम। और ध्यान रखें, धागा ज़्यादा ना निकलने दें, मिनिमम आप इस तरीके से करके पूरी पट्टी पलट लें। ये देखिए, पट्टी पलट गई, मोटी है, आराम से पलट जाएगी। आप इस तरीके से आप इसको पूरी पट्टी पलट लें। तो दोस्तों देखिए, आपने पट्टी पलट ली, इसी तरीके से आप दोस्तों काफ़ी सारी पट्टी पलट लेंगे। तो दोस्तों देखिए, दो कंट्रास्ट में हमने पट्टियाँ पलट ली हैं। फिर पट्टियाँ पलटने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक पट्टी लेके आपको दिखा देते हैं। आप प्रेस लेके, आपको आयरन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो आपकी सिलाई वाला है निशान, आपको सेंटर में रखने के बाद आप यहाँ पर प्रेस लगाएंगे इस तरीके से, और इसको बिठाते हुए आप सिलाई को इस तरीके से गर्म गर्म प्रेस लगाएंगे। तो दोस्तों लगाएंगे तो पट्टी आपकी इस तरीके से बन जाएगी। फिर आप इसे सीधी करके इधर से लगाएंगे प्रेस, तो क्या होगा, ये देखिए, हमारी पट्टी जो है फिनिशिंग के साथ हमारी बन जाएगी इस तरीके से, आपकी पट्टी बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जो जितनी आपकी बचेगी, इसी तरीके से आप पट्टी को, सारी पट्टी को आप इस तरीके से प्रेस करके फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, हमने ये सारी पट्टियाँ जो है प्रेस करके सीधी कर ली दोनों। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा पेपर है, हमें क्या करना है, इस कलर इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम पट्टियाँ कटिंग करेंगे और ये जो हमारा निशान है, ये हमारा निशान है जो
ठीक है। आप इस निशान के बिल्कुल बराबर से पट्टी को ऐसे रखेंगे और इस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे सीधी। और दोस्तों इसी तरीके से जो है आप एक कंट्रास्ट की पट्टी को इस तरीके से लगाते जाएं और जहां पर आपका ये हो पूरा आप इसे कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पूरी पे पट्टी लगा लेंगे येलो कलर की। तो ये देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से पूरे यहाँ तक पट्टी को लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और इन पट्टियों को जिस तरीके से आपने रखा था उसी तरीके से ऐसे आराम आराम से इसे सेट करते हुए आप इसे सिलाई लगा लें। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इसे पूरा जमा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पट्टी लेनी है दूसरे कंट्रास्ट वाली, ठीक है। फिर आप उसको क्या करेंगे इस तरीके से देखिए तिरछे में आप एक पट्टी के ऊपर से इस तरीके से आप इसको हटा के इस तरीके से करने के बाद आप इस पट्टी को कटिंग करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे ये कंट्रास्ट ऊपर नीचे हो रहा है बिल्कुल आपको इसी तरीके से ये लेके जाना है, यानी कि एक बार में आपको दिखानी है येलो ऊपर से और एक में दिखानी नीचे से। उस तरीके से जैसे हम चटाई को बुनते हैं उस तरीके से आप इसको बुनेंगे और आप इसे इस तरीके से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद दोस्तों आप इस पर जितना जितना बच्चे आप इसे कटिंग करते चले हैं तो इस तरीके से पूरी पट्टी को लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इसको पूरा बुनेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप इस तरीके से आपके बन के आनी चाहिए, एक पीली एक गुलाबी, एक पीली एक गुलाबी। इसी तरीके से आप, हमने पहले ऐसे लगाई थी पट्टी, अब इस तरीके से आप इसको बुनते हुए इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाने के बाद आप इसे इस तरीके से कटिंग करते जाएँ, ठीक है। जब ये पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे उस पर पट्टियों से बुन लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने सिलाई लगाई थी पहले आप उस सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगा लें, जो आपने निशान लगाया था पेपर पे तो हमने उसी हिसाब से इसमें काटा था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हल्का सा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा ये निशान, ठीक है। ये निशान आपको दिख रहा है, इस निशान पे आप एक सिलाई लगा लें जिससे कि पट्टी भी आपकी अटैच होकर जुड़ जाएंगी। दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद आप इसे कटिंग करेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद इस तरीके से देखिए आपको एक पीला कपड़ा लेना है, जो पीली पट्टी जिससे हमने बनाई थी उसे इस तरीके से रखना है नीचे और इस पर यहाँ पे सिलाई लगानी है एक आपको। फिर देखिए दोस्तों इस तरफ से आप नाखून लगा लेंगे ऐसे और नाखून लगा के दोस्तों इस तरीके से आप इसको ऊपर की तरफ रखने के बाद इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों जब आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे फिर आप यहाँ से अपने इसको नापेंगे 4 इंच, जो हमने बोला था 4 इंच, इसी तरीके से 4 इंच आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और दोस्तों इसे बिल्कुल आप इंची टेप से मिला के सीधा निशान लगा लेंगे। ये आपका निशान लग गया दोस्तों। निशान लगाने के बाद आप देखिए इसको इस तरीके से अपने पांचे को रखेंगे जो कि बिल्कुल ओके आ रहा है आपका। आप इसको इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद ये फालतू जितना भी है कचरा आप इसे कटिंग करेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद आप इस पर ओवरलॉक कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप ओवरलॉक कर लेंगे, देखिए हमने अंदर ओवरलॉक कर लिए, ठीक है। ओवरलॉक करने के बाद आप इसे ऐसे करें और इस पर एक पैर की सिलाई लगा लें बारीक करके। तो ये देखिए दोस्तों आपका इस तरीके से पांचा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसको साइड जोड़ने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसा बना, क्योंकि इसके बाद हमें पेपर भी खोलना है। तो पहले हम इसकी साइड जोड़ेंगे उसके बाद पेपर खोलेंगे। तो हम इसे साइड जोड़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना। तो दोस्तों देखिए हमने सिलाई लगा ली है, सबसे पहले हम इसे पेपर को हटाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने ये पेपर हटा दिया है, बाकी ये पेपर भी हटाना चाहे तो आप इसको आराम से हटा सकते हैं।
तो दोस्तों ये पेपर हमने हटा दिया, अब हम आपको सीधा करके दिखाते हैं कैसा बना। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से हमारा ये है पैंट का बॉटम, इस तरीके से आपका नज़र आएगा। दोस्तों इस जगह पे मैंने सिर्फ पट्टी लगाई है येलो कलर की, आप इस जगह पे लगा सकते हैं चॉकलेटी पट्टी, जिससे वो ज़्यादा फिनिशिंग भी आएगी इसकी, ठीक है। ये मैंने आपकी येलो पट्टी लगाई है, आप इसकी जगह पे चॉकलेटी पट्टी लगाएंगे तो ये कंट्रास्ट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपकी पैंट आ जाएगी, यहाँ से आपकी सेंटर क्रीज बन जाएगी, ये आप इसको इस तरीके से मिला के सेंटर क्रीज बना लेंगे और ये आपकी प्रॉपर पैंट बन जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे अमीना बुटीक चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।